ब्रांच पुलिस ने गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी राज्य के अलग अलग शहरों में उत्पात मचा रहे उत्तर प्रदेश के एक शातिर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो एटीएम में ठगी को अंजाम देते थे। आरोपी एटीएम सेंटर में जाकर वहां कैश निकालने जाने वाले लोगों को मदद करने के बहाने चोरी से उनका एटीएम कार्ड का पासवर्ड हासिल कर लेते थे और फिर उनका एटीएम कार्ड बदलकर उसी से अलग अलग एटीएम सेंटर में जाकर कैश निकाल करता था, शॉपिंग करके ठगी करते थे। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस की एक टीम ने सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोह के सदस्य तौफीक खान बब्बू, मुस्तकीम रियाज खान, सिरताज खान, इरफान मुनीर खान, तीनों निवासी जिला प्रतापगढ़ यूपी, और हबीब नवाब शेख निवासी धुलिया महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक के 19 एटीएम कार्ड और नगद 15,000 रुपये, एक कार और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर यह जानकारी सामने आई है कि आरोपियों ने शहर के पांडेसरा विस्तार में भी कुछ लोगों के साथ एटीएम फ्रॉड किया है। इसके अलावा यूपी के सुल्तानपुर कोतवाली तथा महाराष्ट्र के धुलिया में एटीएम फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत। अगस्त महीना 2021 21 तारीख के रोज फरियादी विश्वनाथ मिश्रा जब वो एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ करने गए, तब दो आरोपी उनके पास अंदर एटीएम में मदद के लिए आए और उनको बोला कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, तो उनसे पासवर्ड पूछ के पासवर्ड भी डाला और जब पैसा विड्रॉ करने के बाद उनका ओरिजिनल कार्ड की जगह दूसरा कार्ड फरियादी को दे दिया। उसके बाद दूसरे एटीएम कार्ड से इन्होंने 10,000 करके टोटल 40,000 पर विड्रॉ किए। ये जो गैंग है ये प्रतापगढ़ यूपी का गैंग है और पिछले 5-6 साल में कई बार ये यूपी महाराष्ट्र में बैंक लूट में, चोरी में और ठगाई में पकड़ा चुके हैं। इस गैंग के मुख्य हैं तौफीक खान उर्फ़ बब्बू मुस्तकीम, रियाज खान, सिरताज खान, हबीब नवाब शेख, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुनीर खान, और इनके पास टोटल 5 मोबाइल, दूसरे लोगों के 19 जितने एटीएम कार्ड, 15